अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जमात अव्वल, मज़मून उर्दू, सबक नंबर 4, हमारे कायद। प्यारे बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 23 और 25 से हर्फ मिलाकर लफ्ज़ बनाना और वाहिद की जमा बनाना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाएं और दुरुस्त इमला सीखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहले सबसे पहले लिखा हुआ है मीम, मीम है, मह, नून तेनत, क्या बना, मेहनत। अच्छा, तो प्यारे बच्चों अब आप इधर देखिए, हम सबसे पहले मीम की छोटी शक्ल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हे की छोटी शक्ल बनाएंगे, मीम है, मैं है। उसके बाद हम नून की छोटी शक्ल बनाएंगे, नून आखिर में बना देंगे, ते साकिन पूरा। मीम है, मैं है, नून तेनत, मेहनत, ठीक है। नंबर 2 पर अब हम आएंगे। नंबर 2 पर है वाव ज़बर व काव छोटी की लाम साकिन, वकील। तो सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है, हमने यहाँ लिखा वाव, वाव के बाद काफ की छोटी शक्ल, ये हमने काफ की छोटी शक्ल बनाई। काफ के बाद अब हम बनाएंगे ये की छोटी शक्ल, ठीक है। वाव ज़बर व काफ छोटी की, अब लाम साकिन पूरा ऐसा कैसे लिख देंगे, ये हमारा लफ्ज़ बन गया वकील। अब देखें, मेहनत, वकील। उसके बाद हम नंबर 3 पर आते हैं, ते की छोटी शक्ल ये हमने इधर बनाई। उसके बाद आइन, अब आइन की छोटी शक्ल इसी ते के साथ बनाएंगे हम, ते आइन ता, ठीक है। अब लाम की छोटी शक्ल बनाई हमने, लाम, अब ये की छोटी शक्ल लाम के साथ ही मिला देंगे, लाम छोटी ली, ठीक है। प्यारे बच्चों, मीम साकिन ऐसा कैसा लिख देंगे, ते आइन ता लाम छोटी ली मीम साकिन तालीम, ठीक है। नंबर 4 पर अब आएंगे, मीम पेश मु सीन लाम सल मुसल मीम अलिफ मा नून साकिन मान मुसलमान। तो अब हम क्या करेंगे, मीम की छोटी शक्ल, मीम के बाद सीन की छोटी शक्ल, सीन के साथ हम मिला देंगे लाम। अब हम बनाएंगे मीम अलिफ मा, मीम कटर नीचे से लेंगे, उसी के साथ ऊपर अलिफ ले जाएंगे ऐसा सीधा, मीम अलिफ मा, आखिर में नून पूरा बना देंगे, नून साकिन मुसलमान। प्यारे बच्चों, आइए एक दफ़ा पढ़ते हैं, मेहनत, वाव ज़बर व काव छोटी की लाम साकिन, वकील, ते आइंता लाम छोटी ली मीम साकिन तालीम, मीम पेशमु सीन लाम सल मुसल मीम अलिफ मा नून साकिन मुसलमान। प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे अलिफ को बड़ी से बदलें और वाहिद अल्फाज की जमा बनाएं। ये अलिफ नज़र आ रहा है बेटा आपको, इस हम बड़ी से बदलेंगे और वाहिद की जमा बनाएंगे। अब वाहिद जो है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ है जमा, ठीक है। अब वाहिद का मतलब होता है एक, ठीक है, और जमा का मतलब होता है एक से ज़्यादा। वाहिद की जमा बनाएंगे, वाहिद हमारे पास मौजूद है काफ मीम कम रे अलिफ़रा कमरा, ते अलिफ़ता लाम अलिफ़ला ताला, तोय वाओ तो अलिफ़ता तोता, पे ते पत ते अलिफ़ता पत्ता, मीम वाओ मो जे अलिफ़ा मोज़ा। अब हम इसकी जमा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ काफ मीम कम, अब हम क्या करेंगे, इस अलिफ की जगह बना देंगे बड़िए, रे बड़िए रे कम रे कमरा, ठीक है, कम रे। नंबर 2 पर आते हैं, ते अलिफ ता, अब लाम के साथ क्या मिला देंगे हम, बड़िए लाम बड़िए ले ताले ताला ताले, तोय वाओ तो अलिफ ता
तोता। अब हम क्या करेंगे, तोए वाओ तो, अब तोए के साथ हम मिला देंगे बड़िए, तोए बड़िए ते तोते। ठीक है, नंबर चार पर आते हैं, अब पे ते पत। ठीक है, अब अलिफ की जगह मिला देंगे हम बड़िए, पे ते पत ते बड़िए ते, ये हमने ते बड़िए ते बनाया पत्ते। मीम वाओ मोज़े अलिफ जा मोज़ा, अब यहाँ बनाए मीम वाओ मो ज़े, अलिफ की जगह बना देंगे बड़िए मोज़े, मीम वाओ मोज़े बड़े ज़े मोज़े। आइए एक दफ़ा मिलकर पढ़ते हैं, कमरा कमरे, ताला ताले, तोता तोते, पत्ता पत्ते, मोज़ा मोज़े। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने वाहिद की जमा को अच्छे से समझा होगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।